हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी फ्रेंड श्रद्धा। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और पास में बने हुए बेल बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मेरी जो आज की रेसिपी है ये है ब्रेड के लड्डू की रेसिपी। तो अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और आप झटपट से कुछ बनाना चाहते हैं, मतलब 5 मिनट के अंदर कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप देखिए ब्रेड के लड्डू बना सकते हैं। इसे बनाने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है और बड़ा ही ईजी है। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, आपको ज़रूर से पसंद आएगी, अच्छी लगेगी रेसिपी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रेड लड्डू बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास कुछ ब्रेड बचा हुआ था, मैंने वो ब्रेड ले लिया है। तो हम सबसे पहले ब्रेड ले लेंगे और उसे मिक्सी जार में डाल के इसका चूरा बना लेंगे, मतलब इसे पीस के पाउडर टाइप बना लेंगे। तो मेरे पास ब्राउन ब्रेड था तो मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास वाइट ब्रेड होगा तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से पीस लिया है। अभी हम एक पैन गरम करेंगे और हम पैन में ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी, और आपको घी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ कटे हुए मेवे। तो मैंने यहाँ पे काजू, पिस्ता और बादाम, इन 3 चीज़ों को बारीक काट लिया है, और इस घी में हम इसे डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ मेवे को बहुत डीप फ्राई या ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हम बस इसका कच्चापन दूर हो जाए इसके लिए हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम एकदम स्लो रखा है। तो मैंने देखिए यहाँ मेवे को स्लो फ्लेम पे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा, सूखा नारियल जो होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद हमें इसे भी भून लेना है। तो हम मेवे को और नारियल के बुरादे को यहाँ पे भूनने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और लड्डू में ये मतलब कच्चा हमें ना लगे, इसलिए हम इसे हल्का सा भून लेंगे। तो हमें यहाँ कोई कलर चेंज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा घी डाल के इसे कोई फ्राई नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का सा इसे इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है। तो नारियल के बुरादे को भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड, जो ब्रेड हमने पीस के रखा था वो ब्रेड हम इसमें ऐड कर देंगे, और फ्लेम को स्लो ही रखते हुए इसे भी हम भून लेंगे। तो देखिए, मैंने ब्रेड बचे हुए ब्रेड की रेसिपी मैंने और भी शेयर की है आपके साथ, तो मैंने मिनी ब्रेड उत्तपम की रेसिपी शेयर की है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उसे भी चेक कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। बट अगर आप ब्रेड से कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है ये। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसे भून रही हूँ एकदम स्लो फ्लेम पर, और जब ये एक बार भून जाएगा तब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी। तो देखिए, यहाँ पे ये भुन चुका है, बस अब मैं गैस बंद कर दूँगी। तो अभी देखिए, ये यहाँ पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अभी हमें इसमें ऐड करना है पिसी हुई चीनी। जब मैं चीनी को पीस रही थी तब मैंने चीनी के साथ ही 2 छोटी इलायची, मतलब हरी इलायची भी डाल के चीनी के साथ मैंने पीस लिया था। तो अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे चीनी, और आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसे मीठा रख सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी 1 चम्मच, और थोड़ा सा वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस यहाँ पे ऐड करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो मत ऐड कीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो चीनी है वो इसमें अच्छी तरह से मिल जाए, मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध देखिए, हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है, ठंडा दूध या गर्म दूध नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दूध ले लिया था। दूध डालते वक्त आप थोड़ा दूध का हिसाब रखें, अगर दूध ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ये पतला हो जाएगा और ये बंधेगा नहीं, आप इसके फिर लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ही दूध यूज़ किया है, और ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। बस दूध डाल के फिर से हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे, और जैसे हम लड्डू बनाते हैं
उसी तरह हमें इसे लड्डू बना लेना है। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, देखिए 5 मिनट या 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और अगर बनाने के बाद अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप इसे बस बनाने के बाद डायरेक्ट खा सकते हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिनी ब्रेड उत्तपम की रेसिपी पहले भी शेयर की है तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो बस यहाँ देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया है और इसे काजू के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने हुए बेल बटन को भी